आईपीएल मैच नंबर 40 जो कि सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज खेला जाएगा, जो कि शाम को 7:30 बजे से हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों टीमों का रिकॉर्ड क्या है और पॉइंट टेबल में कौन टीम ऊपर है और कौन टीम नीचे है, तो पूरा मैं आपको वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का रिकॉर्ड है वो टोटल मैच की बात की जाए तो टोटल मैच यहां पर 95 खेला गया है, जो कि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाला टीम जीता है जो कि 40 में जीता है, और सेकंड इनिंग में बात की जाए तो 54 में जीता है। एक मैच आपको कैंसिल हो गया था जो कि पानी के कारण। और दोस्त हाइएस्ट रन की बात की जाए तो यहाँ पर 219 रन बना है, और वहीं पर लोएस्ट की बात की जाए तो 59 रन बना है। और यहाँ पर एवरेज स्कोर देखा जाता है 155 प्लस, क्योंकि T20 का यहाँ का यही रिकॉर्ड है जो 155 प्लस देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो चेस हुआ है रन वो कितना हुआ है। तो दोस्त यहाँ पे सक्सेसफुल चेस रन जो हुआ है वो 203 रन चेस किया। तो दोस्त ये T20 रिकॉर्ड है यहाँ का। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ पॉइंट टेबल में जो सनराइजर्स हैदराबाद है वो राजस्थान से नीचे है। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो 9 मैच में से 1 मैच वो जीते हैं, जो कि इनका आज लास्ट मैच है, 10वां मैच लास्ट है। और वहीं पर बात किया जाए राजस्थान के बारे में तो राजस्थान ने 9 मैच में से 4 मैच जीता है और 5 मैच वो लॉस्ट हुए, उनका भी आज लास्ट मैच है। तो बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो इन दोनों टीमों में से आपको मैं बता दूं जो सनराइजर्स हैदराबाद है वो आपको आज हारते हुए दिख सकता है, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी है और 10 मैच खेलना है लीग का, और ये ऐसे भी बाहर ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन आईपीएल का रूल है कि जो आपको जितना मैच मिला है वो मैच आपको खेलना है। टोटल ओवरऑल सारे टीम के रिकॉर्ड की बात की जाए तो पॉइंट टेबल आप साइड में देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर किसका क्या है, तो इसी से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है। तो आपको यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद जो कि पॉइंट टेबल में काफ़ी नीचे है, तो आपको यहाँ पे जो राजस्थान है वो आपको यहाँ पे मैच जीतते हुए दिख सकता है। और अब बात कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो ग्राउंड है वो ग्राउंड किस लेवल का बनाया गया है, उस पिच किस लेवल का बनाया गया। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो ग्राउंड बनाया जाता है, जो आपको पिच बनाया जाता है वो आपको बैट्समैन को फेवर में बनाया जाता है। यहाँ पर आपको मीडियम पेसर को विकेट देखने को मिल सकता है, स्पिनर को भी विकेट देखने को मिल सकता है, लेकिन स्पिनर के मुकाबले मीडियम पेसर यहाँ पर आपको ज़्यादा विकेट निकाल के देंगे। तो दोस्त ये था दोनों टीमों का रिकॉर्ड, पॉइंट्स में आपको बता दिया कौन कितना ऊपर है कौन नीचे है, इन लोग का आज आखिरी मैच है। तो दोस्त आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।